हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लान एंड टीच। बट टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट प्लान एंड स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक DSSB, CTET, SSC एंड ऑल। बाय रफ कॉपीज, इफ यू कैन बाय रफ कॉपीज फॉर ईच सब्जेक्ट। व्हाई दीज कॉपीज? फॉर मेकिंग नोट्स। Now take one subject you are going to study. Start with the subject जिसमें आप weak हो। For example, subject reasoning. Now write down topics that comes in reasoning. जैसे कि मैंने subject reasoning लिया है, अब reasoning के अंदर जो जो topics आते हैं वो आपको लिखना है। Write these things on first page of rough copy. ये सब चीज़ें आपको first page पे लिखना है। Now for day one, take topic analogy. You can see how I have wrote in this copy. I recommend all to study with the help of YouTube videos rather than book. Book को छोड़ के आपको YouTube से इसलिए पढ़ने के लिए कह रही है because it is competitive exam, not a theory based exam. You have to save time by using tricks or less consuming method. उसके लिए YouTube is the best option. If you are facing problem कि कौन से YouTube चैनल से वीडियो देखें, so don't worry, you can click on I button. I have made videos on 5 YouTube channel for competitive exam, specially DSSB, CTET, SSC and all. Coming to preparation, आपको YouTube वीडियो से पढ़ना है, पर कैसे पढ़ना है? Just YouTube videos नहीं देखने हैं। मेक नोट्स साइड बाई साइड वाइल वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़। नोट्स क्यों बनाने? वो इसलिए बिकॉज नोट्स आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेंगे, नॉट इन वन एग्ज़ाम, इन मल्टीपल गवर्नमेंट एग्ज़ाम। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट एग्ज़ाम का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, सेम सब्जेक्ट लाइक GK, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड ऑल। आपको बार बार यूट्यूब वीडियोज़ नहीं देखना पड़ेगा। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस होएगी, लिखने से आपको ज़्यादा याद रहता है। मार्क राइट टिक इन फ्रंट ऑफ कंप्लीटेड टॉपिक्स लाइक दिस। ट्राई टू कंप्लीट वन टॉपिक विद इन 2 or 3 days बिकॉज इससे फ़र्क नहीं पड़ता एक दिन में आप कितना पढ़ते हो, फ़र्क उससे पड़ता है कि आप एक दिन में कितने टॉपिक कंप्लीट करते हो, कितने टॉपिक कवर करते हो। These two toppers of DSSB exam when asked the same question, they answered. कभी मैंने अच्छे के बॉडी पढ़ाई नहीं की, मैं टॉपिक के बॉडी पढ़ाई की। पढ़ाई बहुत अच्छे से ही रही होगी तभी ब्रांच आया। तो आप कुछ बताओ कि आपका लाइक डेली शेड्यूल क्या रहता था, कितने घंटे आप पढ़ते थे, किस तरह से आप पढ़ते थे, बताओ कैसे पढ़ते थे आप? तो सर डेली शेड्यूल ऐसे कोई फिक्स शेड्यूल तो नहीं था, पर हाँ जब भी रोज सुबह उठती थी तो ये दिमाग में रहता था कि आज मुझे कौन सा टॉपिक कवर करना है, क्या करना है, टेस्ट लेना है या रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ्स से। और नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग सब्जेक्ट प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। If you want previous year question paper of DSSB primary teacher or nursery teacher, you can click on I button. This is how you have to plan and study. I hope you all like this video. Don't forget to subscribe, like and share. For any query or help, you can comment. Thank you.